नमस्कार दोस्तों आज हम लोग धातु अधातु के आगे अगले भाग के बारे में अध्ययन करेंगे लेकिन इसके पहले हम लोग पिछले भाग के पिछले भाग में जो हम लोगों हम लोगों ने पढ़ा था कि कोई भी धातु अधातु कैसे विक्रिया करती है उसको एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है तो अभी हम लोग क्या था कि अभी हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं कि जो सोडियम है सोडियम यानि कि इसकी जो परमाणु संख्या है सोडियम की परमाणु संख्या कितनी है ग्यारह है सोडियम की परमाणु संख्या सॉरी सोडियम की परमाणु संख्या ग्यारह है तो इसका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो ये होगा दो आठ और एक यानी कि जब किसी भी तत्व के बाहरी कक्ष में आठ इलेक्ट्रॉन होगा तो वो अभिक्रिया नहीं करेगी ठीक है लेकिन यहाँ पे बार और मैक्स और जो सबसे अधिकतम इलेक्ट्रॉन है जो बाहरी कक्ष में हो सकती है जिसको हम लोग संयोजकता कोष भी कहते हैं वो आठ होती है लेकिन सोडियम के संयकता कोष और उसमें जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है संयकता कोश में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग क्या कहते हैं संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो जो सोडियम के जो बाहरी कक्ष में यानी कि जो संयकता कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है एक है अब अष्टक अगर ये इस इलेक्ट्रॉन को अगर सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को किसी तरह से लूज कर देता है किसी तरह से इसको किसी को दे देता है या इलेक्ट्रॉन किसी तरह से यहाँ से हटा देता है तो क्या होगा कि इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा दो बचेगा इसके पास दो और आठ इलेक्ट्रॉन बचेगा यानी इसके बाहरी कच्छ में दस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा सोडियम ये चाहता है कि किसी तरह से ये एक इलेक्ट्रॉन ये अपना निकाल दे और इसका जो बाहरी कच्छ में है वो अष्टक पूरा हो जाए उसके बाद ये किसी से भी क्रिया नहीं करेगा ठीक है लेकिन अब ये ऐसा कैसे करेगा तो सोडियम के पास सोडियम क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन को वो त्याग देगा अभी सोडियम के पास शुरू में कितना इलेक्ट्रॉन था ग्यारह जया, नंबर ग्यारह इलेक्ट्रॉन था और ग्यारह प्रोटोन भी था चूंकि अब एक इलेक्ट्रॉन ये त्याग दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना बच गया दस इलेक्ट्रॉन बच गया जो पहले ग्यारह था और प्रोटोन तो अभी भी गया रहा है प्रोटोन पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है यानी कि धन चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है ऋण चार्ज होता है तब प्रोटोन की संख्या प्रोटोन की एक संख्या इलेक्ट्रॉन की प्रोटोन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से एक ज्यादा हो गई इसके कारण यानी इस पे जो धन चार्ज वो एक अधिक हो गया ऋण चार्ज के तुलना में तो ये बना हमारा सोडियम आयन और एक इलेक्ट्रॉन उसी तरह क्लोरीन की जो परमाणु संख्या है वो है सत्रह ठीक है तो इसका जो विन्यास होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो दो आठ और सात अब इसके साथ दिक्कत ये है कि ये सात इलेक्ट्रॉन है लेकिन ये तब तक अभिक्रिया करे अभिक्रिया करना कब बंद कर देगी जब इसके पास आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा जिसके पास आठ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वो क्या करता है अभिक्रिया नहीं करता है तब तो, ये आठ इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए क्या करेगी इसको एक इलेक्ट्रॉन कम रहा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम रहा तो ये क्या करेगी जो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या करेगी ग्रहण कर लेगी अब सत्रह नंबर सत्रह इलेक्ट्रॉन था और सत्रह प्रोटोन था क्लोरीन में यानी कि सत्रह धन चार्ज था और सत्रह चार्ज था सत्रह धन चार्ज था सत्रह ऋण चार्ज था लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगी तो इसके पास एक धन चार्ज एक ऋण चार्ज अधिक हो जाएगा यानी कि इसके पास हो जाएगा अठारह इलेक्ट्रॉन और सत्रह प्रोटोन ठीक है जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा उसके बाद तो उस उस स्थिति में क्या होगा इस पे एक रिन चार्ज हो जाएगा और ये क्लोरीन आयन बनाएगा क्लोरीन क्लो, इसको क्लोराइड रिन आयन बोलेंगे और इसको सोडियम धनायन करेंगे सोडियम धनायन कहते हैं ठीक है अब चूंकि यहाँ विपरीत आवेश है दोनों के आवेश जो आयन बना सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन एक धनायन है और एक ऋणायन है तो ये क्या होंगे एक दूसरे से परस्पर आकर्षित होंगे और मजबूत अस्थिर वैद्युत बल जिसका हम लोग हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी किया था मज, मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बनकर सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहेगा सोडियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहेगा ठीक है तो धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है यह हमें समझ में आ गया हम एक और उदाहरण देखेंगे इसको बेहतर तरीके से समझने के लिए अभी है मैग्नीशियम ठीक है मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में मैग्नीशियम का परमाणु संख्या है बारह बारह तो इसके बाहरी कक्ष में है दो आठ और दो इलेक्ट्रॉन यानी कि अब इसका अष्टक कब पूरा होगा जब ये दो इलेक्ट्रॉन इसका कक्ष का जब ये दो इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा त्याग कर देगा तो इसके का अष्टक पूरा हो जाएगा ठीक है तो इसके लिए इसको दो इलेक्ट्रॉन त्यागना होगा और यहाँ पे फिर से क्लोरीन है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्लोरीन क्या करेगा अधिक से अधिक एक ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है क्योंकि क्लोरीन का क्या है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है दो आठ और सात है तो इसको इसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की कमी है अगर एक इलेक्ट्रॉन इसे कहीं से मिल कही जाएगा तो क्या होगा इसका अष्टक पूरा हो जाएगा बारीक अक्ष का अष्टक पूरा हो जाएगा लेकिन यहाँ पे हमें दो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है जो 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 मैग्नीशियम है मैग्नीशियम से बाहर निकला इसके लिए क्या होगा हमारे पास दो क्लोरीन आइटम होगा अब ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ले और ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा ले ले तो क्या होगा दोनों का अष्टक पूरा हो जाएगा दोनों क्लोरीन क्लोरीन एटम का एटम अष्टक पूरा हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम एटम का अष्टक पूरा हो जाएगा अब ये सब क्या बन जाएंगे आयन बन जाएंगे ठीक है अब मैग्नीशियम जब दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो इस पे दो धन चार्ज आ जाएगा और इस पे एक ऋण चार्ज आ जाएगा और इस पे भी एक ऋण चार्ज आ जाएगा तो ये धनायन है ये मैग्नीशियम प्लस धनायन है और क्लोरीन माइनस ऋण आयन है दोनों मजबूत अस्थिर विद्युत बल के साथ जुड़कर मैग्नीशियम क्लोराइड के रूप में उपस्थित रहेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ठीक है तो धातु और अधातु कैसे अभिक्रिया करती है हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा अब धातु और आयोनिक और हम अभी देखेंगे आयनिक योगी के गुणधर्म तो सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आयोनिक यौगिक क्या होता है ठीक है धातु से से अधातु में स्थानांतरण बने यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं तो ठीक है तो धातु से अधातु में स्थानांतरण तो तो यहां पे स्थानांतरण गलत है ठीक है स्थानांतरण हो गया स्थानांतरण कुछ इस तरह से होता है स्थानांतरण ठीक है यहाँ पे स्थानांतरण शब्द गलत है ये ध्यान दीजिएगा या आप अपने बुक, आ, बुक में देख लीजिएगा ये शब्द गलत है तो धातु से अधातु धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन जो स्थानांतरण होता है उसके कारण जो यौगिक बनेगा उसको आयनिक यौगिक कहेंगे इसको क्या कहेंगे आयोनिक यौगिक कहेंगे या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं तो जो सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का उदाहरण जो हम पहले देख चुके हैं उसमें क्या हुआ सोडियम हमारे पास क्या था यहां हमारे पास क्या था सोडियम था इसका एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे स्थानांतरित हुआ क्लोरीन में क्लोरीन में स्थान इसका इलेक्ट्रॉन क्या हुआ क्लोरीन में स्थान स्थानांतरित हुआ तो इससे जो भी है इसको हम लोग आयनिक यौगिक इस तरह से जो भी यौगिक बनेगा इसको हम लोग आयनिक यौगिक कहेंगे या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड में भी क्या हुआ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन है वो एक दो क्लोरीन में गया एक क्लोरीन एक ये क्लोरीन माइनस है ये टू प्लस है एक, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिला एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को मिला तो इस तरह से जो भी यौगिक बनता है इसको हम लोग आयनिक यौगिक बोलते हैं यानी कि धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण से जो यौगिक बना उसको आयनिक यौगिक बोलेंगे या विद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं अब जब हम लोग आयनिक यौगिक को जान चुके हैं तब हम लोग को यह ध्यान देना हुआ कि आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे उसके भौतिक प्रकृति को ठीक है तो आयनिक यौगिक है उसमें क्या होता है धन होता है और ऋण आयन होता है धन आयन होता है और ऋण आयन होता है और यहाँ पे मजबूत आकर्षण होता है यहाँ पे ये गलत है मजबूत में ऐसा कोई विसर्ग नहीं होगा ये मजबूत ऐसा होगा ठीक है इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कुछ त्रुटियां रह गई है ठीक है तो धन व ऋण आयन का जो मजबूत आकर्षण है उसके कारण आयुनिक यौगिक है क्योंकि आकर्षण बहुत मजबूत होता है धन आयन और ऋण आयन के बीच में इसलिए आयनिक यौगिक ठोस होता है और कठोर होता है तो ये आयनिक यौगिक ठोस और कठोर क्यों होता है क्योंकि धन और धन और ऋण आयन के बीच में जो आकर्षण होता है वो बहुत मजबूत होता है इसके कारण आयनिक यौगिक ठोस और आयनिक यौगिक ठोस और कठोर होता है और ये ये सामान्यता भंगुर होता है भंगुर मतलब अगर इसको हम हथौड़ी से पीटेंगे तो ये टूट जाएगा या दबाव डालेंगे तो ये टूट जाएगा तो या आयोनिक यौगिक पहला गुण ये है कि मजबूत आकर्षण के कारण धन व ऋण आयन के मजबूत आकर्षण के कारण आयनिक यौगिक ठोस होता है और कठोर होता है ये सामान्यतः भंगुर है और थोड़े से दबाव डालने पे टूट जाता है क्योंकि आकर्षण मजबूत है आयनिक धन और ऋण आयन के बीच में इसलिए आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वनांग दोनों अधिक होता है मजबूत आकर्षण के कारण एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़ जाता है इसलिए इसको अलग कर इस, इसका जो गलनांक होता है और होता होता है है। कारण अधिक होता है। अब घुलनशीलता तो आयनिक यौगिक है जल में घुलनशील है ठीक है लेकिन केरोसिन पेट्रोल आदि विलयक में ये अघुलनशील है यानी ये नहीं घुलेगा अब है विद्युत की चालकता तो आपको ये समझना जरूरी है कि विद्युत के चालकता के लिए आयन की गति जरूरी है अब विद्युत की चालकता के लिए सबसे जरूरी चीज ये समझना है कि विद्युत की चालकता के लिए क्या जरूरी है आयन की गति है अब जब ठोस अवस्था में होगी तो वहां पे तो आयन की गति होगी नहीं यानी कि ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं होगा और ऐसा क्यों नहीं होगा क्योंकि विद्युत के चालन के लिए आयन की गति संभव नहीं है ठोस तो अवस्था में तो आयन की गति संभव नहीं है इसलिए ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करता है लेकिन आयनिक यौगिक को जलीय आयनिक यौगिक जलीय विलयन में विद्युत का चालकता विद्युत की चालकता उपस्थित होगी क्योंकि वहां पे आयन है वो आयन की गति संभव है तो जलीय विलयन में क्या होगा आयन की गति क्या है संभव है जो कि ठोस तो अवस्था में असंभव है इसके कारण जलीय विलयन में विद्युत चालकता होगी इसके अलावा इसके अलावा आयनिक यौगिक गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करेगा यानी आयनिक यौगिक है वो क्या करेगा गलित अवस्था में भी विद्युत का चालन करेगा और ऐसा क्यों क्योंकि गलित अवस्था में क्या होता है उष्मा के कारण जो धन आयन और जो ऋण आयन है उसके बीच का जो मजबूत स्थिर वैद्युत बल है वो कम हो जाता है अतः इसके कारण क्या होता है आयन है स्वतंत्र रूप से घूमना प्रारंभ कर देता है तो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि आयनिक योगी गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं गलित अवस्था में गलित अवस्था में आयनों के मध्य का आयनों के मध्य का आयनिक की मध्य का स्थिर वैद्युत बल उष्मा के कारण कम कम जाता है अतः आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और जब आयन स्वतंत्र रूप से गमन कर तो वहां पे विद्युत की चालकता होगी यानी ठोस अवस्था में नहीं करेगी क्योंकि वहां पे आयन की चालक आयन की गति संभव नहीं है जलीय विलयन में करेगी क्योंकि वहां पे आयन की गति संभव है और गलित अवस्था में उष्मा के कारण दोनों के बीच का आकर्षण कम हो जाएगा तो आयन स्वतंत्र रूप से गमन करेगा यानी वहां की वहां पे विद्युत की चालकता संभव है अब धातुओं की प्राप्ति तो जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है पृथ्वी की जो भूपर अभी जो धातु है वो हमें कैसे मिलता है ठीक है तो जो पृथ्वी की भूपर पट्टी है वो धातुओं का मुख्य स्रोत है तो हमारा जो मुख्य स्रोत क्या है जो धातु मिलने का है वो पृथ्वी की भूपर पट्टी है अब हमें यह शब्द जानना जरूरी है कि खनिज क्या होता है किस खनिज किसे कहते हैं तो पृथ्वी की भूपर पट्टी पे जो भी पाया जाने वाला तत्व है या यौगिक है उसको खनिज कहते हैं ठीक है तो पृथ्वी की पट्टी धातु का स्रोत है पहला चीज हमें ये याद रखना है और पृथ्वी के भूपर पट्टी पे पाए जाने वाला जो तत्व है या यौगिक है इसको हम लोग क्या कहेंगे खनिज कहेंगे ऊपर पट्टी पे पाए जाने वाला तत्व यौगिक को क्या कहेंगे खनिज कहते हैं अब अयस्क अयस्क क्या होता है तो कुछ स्थान पे किसी खनिज में बहुत कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है ठीक है जिससे जिस, जिस खनिज से किसी धातु को निकालना लाभकारी होता है वैसे खनिज को अयस्त करते हैं ठीक है जिस खनिज से वैसे जैसे वैसे खनिज से जिससे किसी धातु का निकालना धातु का निष्कर्षण लाभकारी होता है आसान होता है क्योंकि उसमें धातु अधिक मात्रा में होती है उसको हम लोग अयस्क कहते हैं तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है वैसे खनिज को हम लोग अयस्क कहते हैं वैसा खनिज जिससे अयस्क निकालना लाभकारी होगा उसको हम लोग अयस्क कहते हैं अब खनिज से जो अयस्क है वो शुद्धिकरण करके कर प्राप्त किया जाता है खनिज से जो अयस्क है वो शुद्धिकरण करके प्राप्त किया जाता है उसके अलावा ये जानना जरूरी है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं और अयस्क है अयस्क है जो खनिज का ही एक रूप है क्योंकि सभी अयस्क खनिज होंगे क्यों क्योंकि अयस्क वैसा खनिज है जिससे किसी धातु को निकालना लाभकारी होता है या ज्यादा लाभ मिलता है वैसे खनिज को हम लोग कहते हैं तो सारा अयस्क खनिज है और सभी खनिज अयस्क नहीं होता है ठीक है अभी सक्रियता श्रेणी से हमें एक चीज और पता चलती है सक्रियता श्रेणी से तो हम लोग ये बता पाते हैं कि कौन सी धातु कम अभिक्रियाशील है अधिक अभिक्रियाशील है ठीक है लेकिन जो धातु का जो निष्कर्षण होता है जो हम लोग उसको प्राप्त करते शुद्ध रूप में धातु को खनिज से या अयस्क से जो धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करते हैं तो क्या क्या विधि अपनाएंगे वो सक्रियता श्रेणी से हमें पता चल पाएगा अभी सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे पाए जाने वाला धातु है सक्रियता श्रेणी में नीचे पाए जाने वाला धातु इसका मतलब क्या हुआ वो जो सक्रियता श्रेणी में जो धातु सबसे नीचे है जैसे सोना है चांदी है वो क्या बहुत है बहुत कम अभिक्रियाशील है चांद सोना चांदी प्लेटिनम कॉपर उसका उदाहरण है तो ये सब धातु क्या है बहुत कम अभिक्रियाशील है अतः वो भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं यानी कि ये अभिक्रियाशील नहीं है तो ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाएगा भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में मिलेगा ठीक है तो सक्रियता श्रेणी में जो सबसे नीचे वाला धातु होता है वो क्या होता है कम अभिक्रियाशील होता है वो हम लोग पहले भी जान जान चुके थे इसके कारण वो क्या होता है स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है क्योंकि वो क्या है कम इसके अलावा कभी कभी कुछ धातु जो सक्रियता श्रेणी के में सबसे नीचे पाए जाते जैसे चांदी और कॉपर वो कभी-कभी सल्फाइड या ऑक्साइड गैस के रूप में भी पाया जाता है यानी कि स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है और चांदी कॉपर है कभी कभी सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है अब अब आता है सक्रियता श्रेणी में मध्य में पाए जाने वाला धातु तो सक्रियता श्रेणी में हम तीन प्रकार के धातु देखे थे एक सबसे नीचे पाया जाने वाला एक मध्य में पाया जाने वाला एक सबसे ऊपर में पाया जाने वाला तो जो सक्रियता श्रेणी में मध्य में पाया जाने वाला धातु है उसकी अभिक्रियशीलता भी क्या होती है मध्यम होती है यानी कि वो न सबसे ज्यादा होता है न सबसे कम होता है तो उसकी अभिक्रियशीलता भी क्या है मध्यम है इसलिए वो सक्रियता श्रेणी के मध्य में है वो सक्रियता श्रेणी के बीच में है तो जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो पाया जाने वाला धातु है ये पृथ्वी की भूपर पट्टी में मुख्यतः ऑक्साइड सल्फाइड या कार्बोनेट के अयस्क के रूप में पाई जाती है यानी कि इसका जो यौगिक होगा जो खनिज होगा वो मुख्यतः ऑक्साइड होगा जो सक्रियता श्रेणी के मध्य में पाए जाने वाला धातु है ये मुख्यतः ऑक्साइड के रूप में प्राप्त होगा सल्फाइड के रूप में प्राप्त होगा या कार्बोनेट के अयस्क के रूप में प्राप्त होगा अभी सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाया जाने वाला धातु तो चूंकि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर पाया जाने वाला धातु तो क्या होगा सबसे अधिक अभिक्रियाशील होगा इसके कारण क्या होगा कि वो भूपर पट्टी पे कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाएगा भूपर पट्टी पे स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं पाया जाएगा और इसका रीजन क्या है क्योंकि सक्रियता श्रेणी में जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो सब सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है इसलिए वो अभिक्रिया वो बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगी इसलिए ऐसे धातु जो सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर है वो स्वतंत्र अवस्था में कभी उपस्थित नहीं होंगे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि तीन तरह के धातु है इस स्लाइड में और अभिक्रियाशीलता के आधार पे हम लोग धातुओं का तीन वर्गों में वर्गीकरण करते हैं निम्न अभिक्रियाशीलता जैसे सोना है चांदी है ये चांदी का सिंबल है ये सोना का है फिर है यहाँ मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे जिंक है आयरन है लेड है, कॉपर है और उच्च अभिक्रियाशील धातु है पोटेशियम है सोडियम है कैल्शियम है मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम है ठीक है तो जो धातुओं का निष्कर्षण है धातुओं के निष्कर्षण के लिए क्या विधि अपनाएंगे वो उसके अभिक्रियाशीलता पर निर्भर करता है और जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है वो प्राकृतिक अवस्था में ही मतलब है शुद्ध रूप में उपस्थित रहती है और जो कम या कभी कभी सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहती है मध्यम अभिक्रियाशील धातु को कार्बन के उपयोग से अपचयन करते हैं और उच्च अभिक्रियाशील धातु को शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए विद्युत का अभि अव अभगा, विद्युत अवघटन करते हैं तो अभिक्रियाशीलता के हिसाब से सक्रियता श्रेणी को देख के हम लोग अभिक्र अभिक्रियाशीलता बता सकते हैं और अभिक्रियाशीलता के आधार पर तीन तरह की धातुएं होती है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं मध्यम अभिक्रियाशील धातु है और उच्च अभिक्रियाशील धातु है और जो निम्न अभिक्रियाशील धातु है या तो वो स्वतंत्र अवस्था में मौजूद होगी क्योंकि वो बहुत कम अभिक्रियाशील है या सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में जैसे चांदी और तांबा है या कॉपर तांबा को अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं तो वो मध्यम वो निम्न अभिक्रियाशील है तो वो स्वतंत्र अवस्था में रहेगी या सल्फाइड या ऑक्साइड के रूप में उपस्थित रहेगी उसी तरह से मध्यम अभिक्रियाशील धातु है तो उसका निष्कर्षण जो धरती से हम लोग जो करेंगे यानी जो शुद्ध रूप में हमको जो उसका उपयोग करना है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे उसका कार्बन के उपयोग से अपचयन करेंगे और जो उच्च अभिक्रियाशील धातु है जैसे कि सोडियम पोटेशियम कैल्सियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम है इस, इसको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए क्योंकि ये काफी अभिक्रियाशील है तो ये कभी तो शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होगा इसको शुद्ध रूप में प्राप्त करने के लिए हम लोग विद्युत विद्युत अवगठन करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही देखेंगे अगले क्लास में हम लोग इससे आगे देखेंगे तो हमें क्या क्या याद रखना है कि धातु है कैसे एक दूसरे से बंधन बनाता है इसके अलावा धातु एक दूसरे से कैसे बंधन बनाता है इसके अलावा धातुओं का निष्कर्षण किस आधार पर किया जाता है मिलते हैं अगले क्लास में तब तक के लिए